हेलो फ्रेंड्स, सिंपल इंडियन लिविंग एंड कुक रेसिपीज चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं मेरा पहली वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली दिन में मैं हस्बैंड के लिए बनाई थी चिकन बिरयानी, वो भी खा के बहुत खुश हो गए, तो मैं भी बहुत खुश हो गई उनके लिए ये वाला बना के। ये है मेरी बेटी श्री, और अभी वो बदमाशी कर रही है यहाँ पे। इसका भी वीडियोस मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मेरे साथ आज का डिनर बनाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है डिनर की, अभी 8:30 बजने वाली है। अभी मैं जा रही हूँ सिंपल सा रेसिपीज बनाने के लिए, जो कि मतलब बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। हेलो हेलो, हाँ मैं यहाँ पे मतलब गैस लगा चुकी हूँ, कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं सारा मतलब सब्जी वगैरह काट के रख दी हूँ। उसके लिए मैं आज मिक्स्ड वेज बनाने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ ड्रम स्टिक और कद्दू, और ये है बैंगन, और थोड़ा सा बीन्स, और है आपका ये क्या बोलते हैं उसको, स्वीट पोटैटोज एंड टमाटो, एंड चॉप्ड करके रखी हूँ यहाँ पे टमाटो और प्याज, और थोड़ा सा लहसुन और चिली को मैं मतलब पीस के रखी हूँ ऐसे, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता लिए हैं। यहाँ पे अभी कढ़ाई गरम हो रहा है, अभी हम इसमें तेल ऐड करेंगे। बस थोड़ा सा ही तल रही हूँ, जो कि लगभग 1 से 1.5 चम्मच तक होगा। और ये बनेगा हमारा दो 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 जन से थोड़ा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा करके बनाती हूँ हमेशा। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब तेल में डालेंगे थोड़ा सा प्याज डालेंगे। वहाँ पर जीरा वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो जीरा वगैरह ऐड कर सकते हो। फिर थोड़ा सा प्याज डाल दिया हम, प्याज को थोड़ा भूनने देंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी। मेरा प्याज लगभग सॉफ्ट तो हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे सब्जी। सब्जी डालने के बाद अभी टाइम आ रही है, हम नमक और हल्दी ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। आप जितना चाहो नमक डाल सकते हो, और हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ पे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा धनिया के पाउडर हम ले रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा चला देंगे। इसको गैस का फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। अभी हम सब्जी को तो डाल दिए हैं वहाँ पे बॉईल होने के लिए, अभी हम थोड़ा सा मतलब मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए रोटी बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए भी रोटी बनाऊंगी। ये लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ आटा है जो कि मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो इसका प्रिपरेशन प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मतलब मल्टीग्रेन आटा है, उसको खुद ही बनाई हूँ, और मैं अभी उसको गूंथ के रोटी तैयार करूँगी सबके लिए। अभी देखिए, हेलो, अभी हम चेक कर लेंगे कि ये सब मतलब क्या हुआ है, सब्जी का हाल क्या हुआ है, क्योंकि सब्जी लगने का चांसेस भी है। अभी लगभग हाफ बॉयल, तो हाफ से ज़्यादा बॉयल हो चुका है, तो अभी हम डालेंगे इसमें सारा
सारा डाल देंगे इसमें, लहसुन डालेंगे, लहसुन और मिर्ची का जो ये पेस्ट करके मतलब ज़्यादा दरा सा करके रखे थे इसको डाल देंगे। फिर टमाटर को डाल देंगे ऐसे, फिर धनिया पत्ता को ऐसे ऐसे करके डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे। फिर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ढक देंगे ताकि हमारा सब्जी बन के तैयार हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा स्पेशल आटे का रोटी है, और इसमें गोल गोल सा अच्छा सा जैसे ऐसे आटे मतलब गेहूं का आटा जैसे नहीं बन पाती है ये, इसमें मिलता है रागी और बाजरा वगैरह मिला हुआ रहता है, तो इसीलिए ये क्या होता है ऐसे फट जाती है। और मेरे पास दो ही बचा है, तो अभी मैं क्या करूँगी दूसरी गैस दूसरी साइड को शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि इसके लिए लो फ्लेम चाहिए, और मैं अपना तवा यहाँ पे लगा दूँगी रोटी के लिए। ये हम दूसरे साइड में चेंज कर लिए हैं, यहाँ पे तवा लगा दिए हैं, तवा को गर्म होते होने देते हैं, तब तक ये दो रोटी हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम ये वाला रोटी बना रहे हैं, थोड़ी सी मतलब ये सॉफ्ट नहीं बनती है, ऐसे ही बनती है। इसको इसके ऊपर मैं तीन रोटी एक साथ बनाती हूँ। यहाँ पे हम ये वाला सब्जी चेक कर लेंगे, ये सब्जी का हाल क्या है। सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ से हम जीरा पाउडर ले रहे हैं, जीरा पाउडर लेके यहाँ पे इसको तुरंत मिला के रख देंगे क्योंकि जीरा पाउडर का स्मेल चला जाएगा। जीरा पाउडर का स्मेल रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अब सब्जी बन के रेडी है। अब रोटी भी ऑलमोस्ट बन चुका है, तीन चार बाकी हैं उसको भी बना लेते हैं। अब मेरा रोटी और सब्जी बन के तैयार है। अब मैं लेने जा रही हूँ अपने डिनर से पहले ये पोमीग्रेनेट वाले टी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक को मतलब कद्दूकस करके रख दिया हूँ, पानी में डाल दी हूँ, और दो चार टीस्पून ऐसे ऐसे करके हम ले रहे हैं पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट का सीड्स, और उसको थोड़ा बॉयल होने देंगे। फिर उसमें नींबू भी ऐड कर देते हैं, हाफ लेमन, हाफ एक छोटा सा लेमन नींबू का हाफ लिया हूँ मैंने, तो हो गया। अच्छे से धो के उसको रखी थी, ऐसे ही जोड़ के उसको उसके साथ डाल दी ताकि वो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसको मैं खाली पेट इसीलिए खा रही हूँ ताकि मैं वेट लूज़ कर सकूँ, इसीलिए मैं खा रही हूँ, इसीलिए मतलब इसको ले रही हूँ। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, तो अब हम इसको मतलब स्टेम कर लेते हैं। इसको पहले इंडक्शन को ऑफ करेंगे, फिर इसको स्टेम कर लेंगे। स्पून से इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं, बस पानी आने वाली टी बिल्कुल तैयार है। ये इसको पी लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे को भी खिलाना है, फिर खुद खाना है। ये हमारा डिनर बन के तैयार है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये खीरा ले लिया हूँ कट करके, यहाँ पे दही ले ली हूँ,
आपने सोच रहे होंगे कि दही के अंदर ये क्या है। हाँ जी हाँ, ये दही के अंदर एक बैंगन है जो कि मैं बॉईल करके रखी थी बेबी के खाने के साथ। बॉईल करके हाफ बैंगन को, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ और एक मिर्ची लिया हूँ यहाँ पे, बस रोटी के साथ इसको खाना है। ऐसे ही थी मतलब बहुत ही डिलीशियस वाली ये है सब्जी, बहुत ही डिलीशियस डिनर। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके इसका मतलब बता दीजिएगा कैसा है, कैसा सब्जी है। थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।